नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ए ट्रांसफार्मर डज नॉट पजेसेस डैश चेंजिंग प्रॉपर्टी। एक ट्रांसफार्मर इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है? ट्रांसफार्मर में इम्पीडेंस चेंज नहीं होता है, या वोल्टेज चेंज नहीं होता है, या करंट नहीं होता है, या पावर चेंज नहीं होता है। देखो, एक ट्रांसफार्मर में पावर चेंज नहीं होता है, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज होता है तब उसी ट्रांसफार्मर में करंट का वैल्यू उतना ही कम होता है, और अगर किसी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का वैल्यू कम होता है तब उसी ट्रांसफार्मर में करंट का वैल्यू उतना ही इंक्रीज होता है, जिससे उस ट्रांसफार्मर में पावर का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मींस चेंज नहीं होता है। लेकिन करंट, वोल्टेज और इम्पीडेंस ये ट्रांसफार्मर में चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आई भी पावर होगा, ट्रांसफार्मर में पावर चेंज नहीं होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन दी सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स अंडर फॉल्ट कंडीशन दी ग्रेटेस्ट नॉइज इज प्रोड्यूस। देखो, जब किसी सर्किट ब्रेकर फॉल्ट कंडीशन में ऑपरेट करता है तब ग्रेटेस्ट कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, या एयर ब्लास्ट, या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, या सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है? देखो, जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है जब ये फॉल्ट कंडीशन में ऑपरेट करता है तब सबसे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर सुपरसोनिक स्पीड में फंक्शन करता है, ऑपरेट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ग्रेटेस्ट नॉइज प्रोड्यूस करता है जब ऑपरेट करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ ए डैश मोटर इज कॉन्स्टेंट। देखो, इधर चार मोटर है, एक क्यूमुलेटिवली कंपाउंड मोटर है, दूसरा सीरीज मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है, और शॉर्ट मोटर है। तो कौन सा मोटर को हम कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर आई भी, शॉर्ट मोटर को हम कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर को हम वेरिएबल स्पीड के लिए यूज करते हैं, और जब हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्ट करने के लिए यूज होता है तब हम क्या यूज करते हैं, सीरीज मोटर को यूज करते हैं। तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, डीसी शॉर्ट मोटर को हम कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर आई भी इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन आर। एक ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के बीच में रिलेशन क्या है? देखो, ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस बराबर इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ ट्रांसफार्मर में भी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के बीच में इक्वल, दोनों इक्वल ही होते हैं, लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर में नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है और पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस का वैल्यू कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ना ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस दोनों इक्वल होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर द शॉर्ट एंड सीरीज फील्ड आर डैश ईच अदर। एक देखो, कंपाउंड जनरेटर मीन्स सीरीज फील्ड भी होगा और शॉर्ट फील्ड भी होगा, तो सीरीज फील्ड और शॉर्ट फील्ड क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर में आपस में ऐड करते हैं या अपोज करते हैं, या समटाइम ऐड करते हैं और समटाइम अपोज करते हैं, या नन ऑफ द अबव। देखो, जो क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर होता है वहाँ पर शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड आपस में ऐड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड करते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता तो शॉर्ट फील्ड और सीरीज फील्ड आपस में अपोज करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ना क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शॉर्ट फील्ड सीरीज फील्ड आपस में ऐड करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन दी टर्मिनल्स ऑफ ए सीरीज ओम मीटर इज ओपन सर्किटेड दी पॉइंटर रीड्स। देखो, जो ओम मीटर होता है इसका काम होता है रेजिस्टेंस को मेजर करना, और ओपन सर्किटेड
ओपन सर्किट में क्या होता है ना, ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो देखो ओम मीटर ओपन सर्किटेड है, तो इसलिए रेजिस्टेंस ओम मीटर रीड करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रीड करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका आंसर। अगर ये शॉर्ट सर्किट होता तो जीरो होता इसका आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आई इनफाइनाइट होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए मैग्नेट इज हीटेड, जब हम एक चुंबक को हीट करेंगे गर्म करेंगे तब इट गेन्स मैग्नेटिज्म, इसका मैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा, इट लॉसेस मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म लॉस करेगा कम होगा, इट नाइदर लॉसेस और नॉर गेन, ना ही इंक्रीज होगा ना ही कम होगा, या नॉन ऑफ द एबव। देखो जब हम किसी चुंबक को हीट करते हैं गर्म करते हैं तब वो क्या करता है, उसका मैग्नेटिज्म का लॉस करता है, कम होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियल सिस्टम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर, देखो जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो थ्री सिस्टम में करते हैं, एक रेडियल होता है, दूसरा रिंग टाइप होता है, तीसरा होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो रिंग सिस्टम क्यों क्या होता है, देखो मान लो पावर सोर्स, ये एक पावर सोर्स है, यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो सोर्स के पास होगा उसमें वोल्टेज भी ज़्यादा रहेगा पावर भी ज़्यादा रहेगा, उसके बाद जो रहेगा उसमें और थोड़ा कम रहेगा, लास्ट में जो रहेगा उसमें सबसे कम नेग्लिजिबल रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो इसीलिए रेडियल सिस्टम को हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेडियल सिस्टम को यूज करेंगे तब लास्ट में जो रहेगा उसमें वोल्टेज का वैल्यू बहुत कम रहेगा, यूजफुल यूज के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतना नहीं रहेगा। और देखो रिंग टाइप क्या होता है, रिंग टाइप में ये सोर्स होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है वो एक रिंग टाइप होता है, जो कंज्यूमर होते हैं वो चारों तरफ ऐसे ही कंज्यूमर चारों तरफ होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिंग टाइप कहते हैं। और इंटरकनेक्टर किसे कहते हैं, इंटरकनेक्टर में ये डिस्ट्रीब्यूशन फीडर लाइन होता है और सोर्स एक से ज़्यादा होता है, उधर सिर्फ एक ही था, इधर एक से ज़्यादा होता है हमारा सोर्स। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ ना, रेडियल सिस्टम को हम सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो लास्ट में जो रहेंगे कंज्यूमर रहेंगे उनको वोल्टेज बहुत कम मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैम्पर वाइंडिंग आर यूज इन ऑल्टरनेटर, हम ऑल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्यों यूज करते हैं, प्रिवेंटिंग हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस विंडेज लॉस को कम करने के लिए, अचीव सिंक्रोनिज्म करने के लिए, या नॉन ऑफ द एबव। देखो पहले देखो डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है, हम इसको कहाँ कनेक्शन करते हैं, जो हमारा रोटर होता है ऑल्टरनेटर के अंदर, ये रोटर है ये स्टार्टर है, जो रोटर होता है रोटर में हम डैम्पर वाइंडिंग को रोटर के पोल में इधर कनेक्शन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा ये डैम्पर वाइंडिंग हो गया, इसको हम क्यों यूज करते हैं ना, इसको हम प्रिवेंट हंटिंग को कम करने के लिए बंद करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हंटिंग क्या होता है, देखो इधर मैं 3 फिगर बना रहा हूँ, ये एक फिगर है, ये रोटर है और ये स्टार्टर है, देखो और एक फिगर ये वाला, ये रोटर है और ये स्टार्टर है, देखो स्टार्टर में ये नॉर्थ पोल है और रोटर में ये साउथ पोल है, तो कितना लैग हो गया, लेकिन इधर देखो इधर रोटर में स्टार्टर में नॉर्थ पोल रोटर में साउथ पोल, ये कौन साइड है, इधर देखो और एक फिगर बना रहा हूँ, इधर रोटर है और ये स्टार्टर है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ, इधर भी लैग थोड़ा डिफरेंस हो गया। तो ये जो डिफरेंस बनता है स्टार्टर पोल और रोटर पोल के बीच में जो डिफरेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। इसी हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, रोटर के पोल के फेस में हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर ऑकर्स बिकॉज, एक ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स क्यों होता है। देखो ये ट्रांसफॉर्मर है, मान लो ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो देखो ये जो फ्लक्स होता है वो लीकेज फ्लक्स क्यों होता है, आयरन कोर है जो हाई परमेबिलिटी इसलिए होता है, ये जो कोर होता है ये आयरन में बना हुआ होता है, इसका परमेबिलिटी ज़्यादा होता है इसलिए ये लीकेज फ्लक्स होता है, या एयर इज नॉट गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर इसीलिए होता है, या अप्लाइड वोल्टेज इज साइनसोडियल इसीलिए होता है, या ट्रांसफॉर्मर इज नॉट एफिशिएंट डिवाइस। देखो क्योंकि इसका आंसर होगा एयर इज नॉट गुड
मैग्नेटिक इंसुलेटर। अगर ये ट्रांसफार्मर कोर है, आयरन का कोर है, इधर फ्लक्स हो रहा है, जो यूजफुल ये सेकेंडरी वन है, जो यूजफुल फ्लक्स होता है वो प्राइमरी से निकल कर सेकेंडरी में लिंक होता है, और जो फ्लक्स प्राइमरी से निकल कर सेकेंडरी में लिंक नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, ना लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो ये लीकेज क्यों होता है, क्योंकि ये जो चारों तरफ है ये तो कोर है, कोर के बाहर एयर है, अगर एयर गुड इंसुलेटर होता तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स एयर की तरफ नहीं आता, सिर्फ इस कोर में ही होता, कोर के अंदर ही होता। और अगर ये लेकिन ये जो हमारा एयर गुड इंसुलेटर नहीं है तो इसीलिए फ्लक्स लीकेज हो रहा है, कोर की बाहर की तरफ भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दि सेपरेशन बिटवीन द 3 phases ऑफ ए ट्रांसमिशन सिस्टम इज इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लाइन इंडक्टेंस और लाइन कंडक्टेंस क्या होगा। देखो मान लो ये 3 phase है, एक ट्रांसमिशन लाइन 3 phase है, अगर ये जो बीच में जो डिस्टेंस है सेपरेशन है ये अगर इंक्रीज होता है तब बीच में जो लाइन कैपेसिटेंस और लाइन इंडक्टेंस इसका रिजल्टेंट क्या होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। अगर दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा तीनों वायर के, तब क्या होगा ना उनके बीच में जो इंडक्टेंस का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, लेकिन उनके बीच में जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है वो कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल वर्क ओनली डीसी सप्लाई, इनमें से कौन सा ओनली सिर्फ डीसी में ही काम करता है, इलेक्ट्रिक लैंप, रेफ्रिजरेटर, हीटर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब मान लो एक आयरन का मेटल रॉड है, इसको अगर हम खाली में रखेंगे, ओपन स्पेस में रखेंगे तो ये रस्ट होगा, कुछ साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको अगर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, नॉन रोस्टिंग मटेरियल से इसके ऊपर एक ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा ना, ये जो मेटल आयरन मेटल है ये रोस्टिंग नहीं होगा और ये सेफ रहेगा। इसी ओवरलैपिंग काम कौन करता है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है। तो ये सिर्फ डीसी सप्लाई से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। देन तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।